आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन जिले के झिरनिया तहसील से, जहां पर एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर, जहां पर आदिवासी इलाकों में बच्चों के रहने और खाने और सारी सुविधाएं पढ़ने के लिए हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन लगातार इन हॉस्टलों में खाने पीने और रहने की समस्या आती है। ऐसे में पिछले दिनों बड़वानी में भी एक 40 बच्चे पीने की पानी खराब के चलते बीमार हो गए थे, और ऐसी ही शिकायत अब खरगोन के झिरनिया से आ रही है, जहां पर खाने और रहने की समस्या को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को करने के बाद भी उन बच्चों की समस्या दूर नहीं हो रही थी, जिसके बाद अब बच्चे खरगोन जिले के झिरनिया से कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े। जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए, पैदल निकल पड़े हैं ये बच्चे, 100 से ज़्यादा ये बच्चे हैं, अपनी खाने पीने और रहने की समस्या को लेकर कलेक्टर को ये जनसुनवाई में समस्या सुनाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। जनपद सीओ और एसडीएम ने उन्हें मनाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। ये तस्वीर देखिए, जिसके बाद कलेक्टर को जब ये सूचना मिली तो मौके पर कलेक्टर वहां पर पहुंचे और बच्चों को मनाया गया और उनसे कहा गया कि मैं आपकी सारी समस्याएं सुनूंगा खाने को लेकर। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि खाने रहने और इन सारी समस्या को लेकर कलेक्टर ने कहा कि मैं खुद वहां जाकर चेक करता हूं। तो तस्वीर देखिए, कलेक्टर खुद खाना चेक कर रहे हैं। तो एक बड़ी गंभीर समस्या है, जिसको लेकर लगातार आदिवासी क्षेत्रों में ये समस्या लंबे समय से चलते आ रही है। पिछले दिनों बड़वानी के छात्रावास में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी, पानी की वजह से 45 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए थे, और अब खरगोन के झिरनिया की ये घटना है, जहां पर लगातार खाने की शिकायतों को लेकर बच्चे कर रहे थे, और अब जब उनका जो घड़ा समस्याओं से भरकर निकल कर सामने आ गया, और अब जो है वो पैदल चलकर लगातार जो है शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े थे और कलेक्टर खुद उनसे मिलने पहुंच गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन शिकायतों के बाद, इन बच्चों की शिकायतों के बाद क्या इन समस्याओं का समाधान होगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज लीडर्स। समाधान कर दी जाऊंगा, ठीक है ना, चिंता मत करो। तुम्हारे जो है अभी हॉस्टल में हम लोग, मैं खुद भी विजिट करूंगा अभी अधिकारियों के साथ में, एक एक जो तुम बता रहे हो ना, खाने का बता रहे हो, खाना भी देखेंगे अपन जाके, ठीक है। और उसके बाद जो है पानी की टंकी बता रहे हो, पानी की टंकी जाके देखेंगे, ठीक है। और किताब बता रहे हो, किताब और पानी देखने के लिए मैं अधिकारियों से और बात कर रहा हूं। जो कि केंद्र सरकार ने भेजा है, अपने यहाँ लोकल स्टाफ तो है नहीं, है ना, ये केंद्र सरकार का स्टाफ है। आप लोग का स्कूल जो है केंद्र सरकार से चलता है, एकलव्य का, ठीक है। तो बाहर से स्टाफ आया है, वो यहाँ की लोकल परिस्थितियों को समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगाता ही है, लेकिन फिर भी अपन इसका समाधान निकाल देंगे, चिंता नहीं करो, है ना। आपके हित के लिए अपन सब बैठे हैं और आपके हित के लिए सब लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को सुविधा देना हमारा दायित्व है, हम लोग आपको सुविधाएं देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। और अभी हम वहीं एकलव्य स्कूल ही जा रहे हैं, एकलव्य स्कूल ही चल रहे हैं अपन साथ में, और जो वहाँ जाके अभी जो जो आप बता रहे हो ना, उन सबका हम खुद ही निरीक्षण करके वो समाधान करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो पानी, ये इनको जो है पहले पानी वानी कलेक्टर साहब बात करनी थी ना, तो मैं खुद आ गया हूँ, है ना। जैसे ही पता चला हम लोग वहाँ से चले, गाड़ी में बैठ के एसपी साहब के साथ में आए हमारे, ठीक है ना। सब अधिकारी सुबह से साथ में, बताओ चलो क्या इशू है, बताओ कौन बताएगा, एक आदमी, चलो ठीक है बताओ क्या है, हैं एकदम क्यों क्यों परेशान हो रहे भाई, हम लोग सब तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए ही है ना, चिंता नहीं करना, ठीक है। हम लोग सब आपके साथ में हैं और आपके भलाई के लिए ही बैठे हुए हैं। देखो अभी एकदम तत्काल पता चला तो मैं वहाँ से एकदम दौड़ लगा, जो हमको कुछ भी सुविधा जो मिलती है वो हमको मिलने के लिए, जो मतलब हमारी फैसिलिटी है, जो हमको ट्रेवल साहब है ना, आ जाओ यहीं पे आ जाओ, एसडीएम साहब भी आ जाओ, ठीक है। तहसीलदार साहब कहाँ हैं? जी सर, वो बीओ भी आ।